मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है माने तो अपना नाम बताएंगी जी जरूर मेरा नाम नौशीन है नौशीन बहुत प्यारा नाम है बिल्कुल आपकी तरह गुड़िया 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 क्या हुआ गुड़िया गुड़िया उठो गुड़िया 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 अम्मा साईं शहर में रहते हैं शहर की चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं आप ऐसा करो वहाँ फैशन के कपड़े गहने जूते सब ले लो साई देकर खुश होंगे गुड़िया बेखबर सो रही है उसे जगाना मत और अगर जाग जाए बेटा तो मुझे बुला लेना उसके करीब मत जाना दूर दूर से देखना मानो तावीज नहीं पहना नहीं अम्मा वो तावीज इतनी दफा तुम लोगों को समझाया है कि गले से तावीज मत उतारा करो लेकिन तुम लोगों की समझ में ही नहीं आता है पता नहीं क्या हो गया है अम्मा हाँ अब्बा का ऑपरेशन कब करवाना है ऑपरेशन तो एक हफ्ते बाद है लेकिन कल परसों ना चेकअप के लिए लेके जाना हमको किस चीज का चेकअप अम्मा तेरे अब्बा के फेफड़े कमजोर है ना तो डॉक्टर घबरा रहा है ऑपरेशन करने से वो बोल रहा है कि फेफड़ों की कमजोरी से ना सांस भी रुक रुक के आता है इसलिए पहले वो फेफड़ों का चेकअप करेगा और हिसाब किताब लगा के वो जो भी दवाइयाँ बताएगा वो 5-6 दिन हमें खिलानी है तेरे बाप को उधर भी जाके भी 5-6 दिन ना ताकत के इंजेक्शन लगेंगे उनको उसके बाद जब फेफड़ों में जान आएगी तो फिर कहीं जाके ऑपरेशन होगा अम्मा आप फिक्र बिल्कुल ना करें इंशाल्लाह अब्बा का ऑपरेशन कामयाब होगा और अब्बा जल्द सेहतयाब हो जाए आमीन आमीन ऑपरेशन इतना खतरनाक नहीं है बस फेफड़ों में जरा जान आ जाए इंशाल्लाह अम्मी ऑपरेशन कामयाब होगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी वालेकुम अस्सलाम सारा सौदा है आलिया एक ग्लास पानी तो लेकर कहीं जाना है मुझे कहाँ जाना है भाई वो एक जगह मैंने नौकरी की बात उम्मीद है मुझे मिलने जा रहा हूँ जी अच्छा अरे हीरा तुम छोड़ दो मैं कर लूंगी नहीं भाभी थोड़ा सा ही तो काम है मैं कर लूंगी आप जाएं अंदर जाके आराम करें अम्मा ने मना किया है ना आपको काम करने के लिए मैंने किचन में थोड़ा सा ही तो काम किया है खाना बनाना था वो बना लिया और अम्मा के लिए यखनी बना ली बस देखें अम्मा के मना करने के बावजूद भी आपने काम कर लिया ना थोड़ा बहुत अब आप जाके आराम करें लाओ ये मैं कर देती हूँ तुम कोचिंग के लिए तैयार हो सेंटर जाने में तो काफी टाइम है मैं कर लूंगी और वैसे भी खाना खा के मुझे सफाई करनी है फिर मैं तैयार हो जाऊंगी जैसे तुम्हारी मर्जी आप जाएं अंदर जाके आराम करें अरे बेटा पहले मेरा काम कर दे मेरा ये सामान रखवा दे दुकान का बाहर फिर चला जाना दुकान सामान कैसी बातें कर रहे हैं आपा अच्छा अच्छा मैं समझी मुझे तुमने बाहर से सामान मंगाया था अरे हाँ एक बार वही जो कब से पड़ा सड़ रहा है क्या हो गया अब्बा एक हफ्ते बाद आपका ऑपरेशन है और आप अभी दुकान से जाने के लिए निकल रहे हैं अरे बेटा जब तुम कहोगी चला जाऊंगा ऑपरेशन के लिए आलिया बिल्कुल ठीक तो कह रही है इस बीमारी में दुकान कहाँ चलाओगे तुम अरे मैं कहाँ बीमार हूँ बिल्कुल भला चंगा हूँ और जिसका जवान कड़ियल बेटा हो वो भला बीमार हो सकता है
जिसका करियर जवान बेटा होता है ना, वो काम नहीं करता अब्बा। अरे तो मैं कौन सा मजदूरी करने जा रहा हूँ, यूं ही घर के बाहर बैठा रहूंगा आराम से, और फिर जब पैसे फंसा दिए सामान में तो उसका कोई फायदा तो होना। तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ अब्बा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपनी नौकरी की तलाश कर, ये सारे काम मैं कर लूंगा घर के। घर से थोड़ा बाहर बैठा रहूंगा तो थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। हाँ बेटा इमरान, तेरा अब्बा सही कह रहा है, तेरा बाहर जाएंगे तो तबीयत संभल जाएगी इनकी। मगर अब्बा आपको ऑपरेशन के लिए अस्पताल भी तो जाना होगा। कहते रहा हूँ, चला जाऊंगा। अच्छा चल तू अब आ और ये सामान रखवा दे मेरा। ये कैसे खराब हो गया, अभी एक महीना तो हुआ इसे लिए हुए, है भी महंगा वाला। माई मुझे तो मोबाइल का मसला लगता है। मुझे भी यही लगता है, 3 साल हो गए इस मोबाइल को लिए हुए और इसने कई बार गिराया भी है। क्यों, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या, रोटी नहीं खाती, एक काम नहीं होता तुझसे, करती क्या है, सिर्फ औरतों के पास बैठ के गप्पे मारना। वो माई औरतें धक्का मुकेल करती है ना तो गिर जाता है। कोई अगर तुझे एक धक्का दे ना उसे 2 दे, मगर खुद को नहीं गिरा, और खास तौर पे इस मोबाइल को, हमारी रोजी चलती है इससे, मालूम है ना तुझे। जमीला आज शाम को जाते हुए मोबाइल ले लेना, किसी अच्छी कंपनी का लेना, पायदार हो। जी माई सरकार। रुकैया ये बुर्का कितने दिनों से पहना हुआ है तूने? माई सिर्फ 15 दिन हुआ है। बड़ी मुर्दार है। अरे तुझे कितनी दफा कहा है कि हर हफ्ते बुर्का बदल लिया कर, 4 बुर्के सिलवा कर दिए घर में सेहत कर रखने के लिए। बुर्का बदला कर, नजरों में आ जाएगी, घुस भरा हुआ है तेरे दिमाग, कोई बात समझ में ही नहीं आती है तेरे, चल जा अब। और सुन जी, यहां से नहीं चले जाना, अंदर वाले रास्ते से जाना। और सुन, मानो को चाय का कह देना, नौशी तो होगी नहीं। ठीक है माई। जा उस साहिल को भेज, उस औरत को जिससे आखिरी दफा रुकैया ने बात की थी। अम्मा अम्मा अम्मा, तैयार हो गया बेटा? मैं जा रहा हूँ। जा, खुदा के हवाले है, खुदा बुरी नजर से बचाए तुझे बेटा। दुआ करना मेरे लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मिनट ठहर। हो गया हो गया हो गया, चल आप जा, अल्लाह के हवाले, चल जा। नौशी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, कहीं इसने छुट्टी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं नहीं, ये छुट्टी कहाँ कर सकती है, इसी बहाने तो इसे आजादी मिलती है। क्या करूं, इतनी देर हो गई। हीरा क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? वो मैं नौशी का वेट कर रही थी, अभी तक आई नहीं। अभी तक नहीं आई, तैयारी में देर लगा दी होगी उसने, ऐसी है वो। अच्छा चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं निकलती हूँ, काफी देर हो गई है, हो सकता है गली में मिल जाए मुझे। ध्यान से जा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप पता नहीं क्या ख्याल करती होंगी लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जो दिल में आता है वो कह देता हूँ, सारे काम छोड़ छाड़ के इधर आके खड़ा होता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। नौशी कहाँ रह गई, इतनी कहाँ रह गई, वक्त कहीं अकेले तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, मेरे बगैर कैसे जा सकती है, आज तक गई है क्या, क्या करूं फिर, चलो सेंटर ही जाके देखती हूँ। हाय अल्लाह, कभी ऐसा हो कि मुझे
इमरान हाशमी मिल जाए। हाँ, मैं गली से गुजर रही हूँ और वो अचानक से मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल सामने। अल्लाह, काश ऐसा हो जाए। हाशमी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो भी टूटे हुए चिंची पे क्या कर रहा है? हाय हेलो, आप सुनिए, आप इमरान हैं? जी मैं इमरान हूँ। आप इमरान हाशमी हैं? जी मैं इमरान हाशमी। हाय हेलो, सच्ची में इमरान हाशमी, आप मुझसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ गए? लगते हैं पागल है, 100%। ओ हेलो, आपका दिमाग ठीक है? ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं। आप, मेरा मतलब है आप वो इंडिया वाले फिल्मों वाले इमरान हाशमी हैं? जी नहीं। हटो, हटो, जाने दो मुझे। अब अरे, हाय अल्लाह, सिर्फ नाम ही नहीं, ये तो अदाएं भी इमरान हाशमी वाली हैं, वही अकड़, वही गुस्सा। हाय, मेरा इमरान हाशमी मिल गया, देख तो लो कहाँ जा रहा है। अरे आप यहाँ? हाँ जहाँ आप वहाँ हम। मुझे लगता है कि करीब में कहीं आपका दफ्तर है या आपको कोई जरूरी काम होता है, तभी आप रोजाना यहाँ पे आ जाते हैं। दफ्तर तो नहीं है लेकिन जरूरी काम है। कहाँ? यहाँ मार्केट में? नहीं, मेरी नजरों के सामने। बहुत ही हाजिर जवाब है। बना दिया किसी ने हाजिर जवाब। आप पता नहीं क्या ख्याल करती होंगी लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जो दिल में आता है वो कह देता हूँ। सारे काम छोड़ छाड़ के इधर आके खड़ा होता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं क्या सोचती होंगी आप मेरे बारे में लेकिन मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। कुछ कहेंगी नहीं आप? आप, मैं भी कैसा पागल आदमी हूँ, सड़क पे खड़े होकर सारी बात कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। ठीक है। क्या बात है, बड़ा चमक रहा है आज। यार किस्मत जो चमक गई, अब तो तेरा भाई हमेशा हमेशा चमकेगा। नहीं नहीं, ये अकलमंदी का काम क्या है तूने? वैसे शक्ल निकल आई है तेरी और होलिया तो तेरा वैसे भी हीरो वाला है। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, तुझे पता है बच्चियां आजकल तेरे भाई को देखो स्टॉप मार देती है। आज तो बड़ा मजेदार सीन हो गया। क्या? बच्ची ने भाई को देख कर वही स्टॉप मार दिया, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, इमरान इमरान इमरान। मैं तो पागल हो गया, समझ ही नहीं आया इसे मेरा नाम कैसे पता चला यार। क्या बात कर रहा है, कहीं वो तुझे इंडिया वाले इमरान हाशमी तो नहीं समझ रही? पागल वागल तो नहीं हो गया? कहां इमरान हाशमी और कहां मैं? मैं गोरा चिमटा जवान, वो काला, देखा है तूने उसे? कहां से नक्श मिलते हैं? अबे अपने गोरे रंग पे इतना ना गड़, तेरे पास गोरे रंग के अलावा और है भी क्या? और उसके पास सब कुछ है सिवाय गोरे रंग।
और आजकल कौन पूछता है गोरे रंग को, सब जेब देखते हैं जेब, और वो इंडियन फिल्मों का राजा और तू यहाँ इस कच्ची आबादी का राजा, भला तेरा और उसके क्या मुकाबला। मुझे एक बात बता, ये इमरान हाशमी ने तुझे पैसे दिए अपनी तारीफ करने? अबे मैं क्या, पूरी दुनिया तारीफ करती है उसकी और लड़कियां मरती है उस पे। अगर तेरी बातें खत्म हो गई हम कारोबार की बातें करते। सॉरी यार, कहाँ चला गया था। हाँ पता क्या बात, चाय भी थी उसके बाद बदले लेते। चलो ओके सारे। वो दरअसल पहली बार किसी पे भरोसा करके बाहर आई हूँ ना, तो घबराहट हो रही है। किसी के साथ नहीं, अब मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना जमाल अगर तुम समझो। सकीना, तूने उस दिन जो बात कही थी ना, वो मेरे दिल को लग गई। कौन सी बात बड़ी सहन? सकीना, वही जो खरीदारी वाली बात। ये तो खुशी की बात है, मुझ बेअकल की बात भी आपको अच्छी लगी। अरे सकीना, तुम हमेशा अकल की बात करती हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रखती। बड़ी मेहरबानी बड़ी सहन, मेरे ऊंचे नसीब है। असल में सकीना, अगले हफ्ते साईं की सालगिरह है और मैं सोच रही हूँ कि साई को बगैर बताए हुए सारी तैयारी करूं, फिर उसे किसी बहाने यहाँ बुला लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, कल से ही हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सकीना, मैं भी सोच रही हूँ कि कल शहर चली जाऊं खरीदारी के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ मेरे साई के लिए खरीदारी करके लाऊं। बिल्कुल जाएं आप, अपने लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर आए ताकि साई देकर आपको खुश हो जाए। हाँ तो ऐसा करते हैं कि तुम और हुजूर बख्श मेरे साथ चलो। ठीक है बड़ी सहन। और हाँ सकीना, इस बात का किसी को पता ना चले, इस बात का सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे पता है और हुजूर बख्श को, नहीं तो साई को पता ना चल जाए। बिल्कुल, आप इत्मीनान रखें, बिल्कुल किसी को खबर नहीं होगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बस मैं ऐसे ही हूं, जो दिल में आता है कहता हूं, मेरी बात का बुरा लगे तो बता दो। अब इसी तरह शर्माती रहोगी या कुछ कहोगी? अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, बंदे को शक हो जाएगा, बंद करिए शर्माना। मैं शर्मा नहीं रही हूँ, वो दरअसल पहली बार किसी पे भरोसा करके बाहर आई हूँ ना, तो घबराहट हो रही है। किसी के साथ नहीं, अब मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना जमाल अगर तुम समझोगे। अपने बारे में तो मैंने बताया था, मैं मोरों में जमीनें हैं, यहाँ दो तीन शॉपिंग प्लाजा है, रिहायशी अपार्टमेंट है, शहर और गांव में दौड़ लगी होती है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है सब कुछ अच्छा अच्छा लगा। बस ये मेरा तारुफ है, तुम बताओ। नौशिया बीबी ना हर काम का हिसाब किताब करती हैं, काम करके चली जाती तो क्या बिगड़ जाता उनका। नौशी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? याद है ना अम्मा ने लास्ट वार्निंग दी है तुम्हें, अब भी अगर तुमने दिल लगा के पढ़ाई नहीं की ना, तो अम्मा कोचिंग छुड़वा कर तुम्हें घर में बिठा देंगे। इस दुनिया में कौन सुख